मुंगेर के धरहरा प्रखंड के अजीमगंज पंचायत से निर्वाचित मुखिया परमानंद टुड्डी की नक्सलियों ने गला रेत कर हत्या कर दी है। नक्सलियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने मुखिया के घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने परमानंद टुड्डू को शपथ लेने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया। इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। मृतक के बेटे अभिषेक कुमार ने बताया कि 10 से 12 लोग उनके घर आए थे। नक्सलियों ने घर में घुसकर मुखिया की पत्नी से परमानंद के बारे में पूछताछ ही कर रहे थे कि तभी परमानंद कमरे से बाहर आ गए। इसके बाद नक्सली उन्हें मटन की पार्टी मांगते हुए घर से बाहर ले गए और बाद में नक्सलियों ने गांव के ही बीच सड़क पर बने चबूतरे पर उनकी गला रेतकर हत्या कर दी। इस खौफनाक वारदात के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरह से अचानक परमानंद उनसे दूर चले जाएंगे। रात में मतलब 6 लोग आए थे, पापा से मतलब पापा को खोज रहे थे, बोला कि मुखिया जी कहाँ हैं। तब हम उठे, मतलब पढ़ाई कर रहे थे, पापा सोए हुए थे, तो वो लोग आए तो हम दरवाज़ा खोले तो बोला कि पापा कहाँ हैं। हमने पूछा कि पापा नहीं है घर में, तो बोला मम्मी है, तो बोले हाँ मम्मी है घर में, तो बोला मम्मी को उठाओ। तो मम्मी को उठाएं तो बोला पापा कहाँ गया, तो बोले नहीं है पापा घर में। तो फिर मतलब एक अंदर घुसे तो पापा को देखे, तो बोला पापा को जगाओ, यहाँ पापा, तो जगा पापा को उठाएं, तो बोला पापा से बात किए हम लोग को, मतलब खस्सी नहीं खिलाइएगा, तो पापा बोला कि हाँ खिलाएंगे, काहन खिलाएंगे। तो पापा को मतलब बाहर लेके आया तो उसको मतलब जाते जाते रास्ते में उसको गला काट दिया पापा। क्या पहले पापा को तुम्हारे धमकी भी मिली थी? वो हमको नहीं मालूम है। कितने हथियार था? हाँ, उसके हाथ में हथियार था, गन था। किस टाइप का हथियार था? बड़ा वाला गन था, बड़ा वाला। यूनिफॉर्म में थे या सिविल में थे? मतलब हम वर्दी में ही था, मतलब किस टाइप की वर्दी थी? मतलब पुलिस वाली वर्दी। हाँ, वैसी ही टाइप का था। फिर ऊपर से थी, स्वेटर सब पहने हुए थे और वरना सूड़े हुए थे। किधर से आए थे? हम नहीं देखे किधर से आए, लेकिन इधर से आए होंगे, रोड तरफ से ही। गाड़ी उड़ी से भी थे? नहीं, गाड़ी से नहीं आए, वो सब पैदल ही आए। 8 बजे के लमसम में हुआ था। 8 बजे? हाँ। क्या उनका बोलचाल कैसा था, भाषा कैसी थी? वो सब आए तो पापा से पूरा आराम से हम लोग से बात किए, पूरा बोला कि हम उससे बात करेंगे, हम लोग पार्टी का थी, मतलब हम लोग पार्टी का आदमी हैं, उससे कुछ मांग चंग करेंगे, लेकिन वो सब नहीं किया, वैसा पापा को मार दिया। नक्सलियों ने परमानंद टुड्डू की हत्या करने के बाद गांव में लाल सलाम के नारे भी लगाए। बाद है हल्ला होने लगा, पूरा रोने धोने लगा, तो वहाँ पहुँचे तो मतलब बोल रहा ऐसे वैसे, पहले वो लेके गया, ऐसे मार दिया, ऐसे हल्ला होने लगा। उसके बाद मतलब दो वहाँ गया था, मतलब दो लड़का पीछे पीछे उधर, तो वो बोला कि मतलब ऐसे काट दिया गया है उनको पूरा। अच्छा, कितना संख्या में था? क्या बताए ना? संख्या ज़्यादा नहीं, तो बोल रहे 9-10-12 थे। क्या थे वो? नक्सली। क्या करके वो एंट्री किए घर में? कैसे एंट्री? मतलब हम तो नहीं थे, उनके बेटा थे वो। हाँ। मतलब बोल रहे कि एंट्री में मतलब सिर्फ अच्छा गेट खुलवाया कि गेट खोलो आराम से ही। उसके बाद गेट खुलवाया तो उनके बाद पूछने लगा पापा कहाँ है, फिर पापा बोला, वो उनका बेटा बोला नहीं है पापा। तो उसके बाद फिर बोला मम्मी कहाँ है, तब मम्मी को बुलाया, तब मम्मी को बुलाया तो जोर से डांट के मतलब पूछा, तो फिर वो पापा को बुला के लाया, पापा को बुला के लाया, तो उसी में उसको बोलने लगा मतलब आप खस्सी का मीट अब लोग खा लिए हैं, हमको कब खिलाइएगा। बस उतना बोल के उनको मतलब धीरे धीरे बाहर लेके गए। बाहर ले जाने के बाद जिस टाइम बाहर लेके जा रहे थे उस टाइम 2-3 लड़का उनको देखा, तो उनके पीछे तो और लड़का का संख्या जुटाने लगा, मतलब 4-5 लड़का जुटने के लिए बुलाने गया। और जितना मैं बुला के लेके गया, दौड़ते हुए गया, उतना में ही वहाँ पे मतलब देखा कि पूरा वो काट के लोग चल जा चुका है। कुछ नारा भी लगा रहा था वो लोग? हाँ, लाल सलाम। ये दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने पहले ही परमानंद टुड्डू को नक्सलियों के हमले के बारे में सतर्क किया था। पुलिस ने परमानंद टुड्डू को गांव से बाहर रहने की सलाह दी थी, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया था। प्रशासन को पीड़ित परिवार की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करना चाहिए और साथ ही नक्सलियों के खिलाफ भी एक बड़ी मुहिम छेड़नी चाहिए, क्योंकि ये लाल सलाम वाले नक्सली लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुंगेर से इम्तियाज खान की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।